नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। भारतीय रेल की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए नई सर्विस शुरू की गई है। पिछले कुछ सालों में रेलवे ने खाने की स्वच्छता और यात्रियों के लिए उपलब्धता आसान करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पहले ही रेलवे की तरफ से यात्रियों को ऑनलाइन खाना उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाती है। अब रेलवे की तरफ से यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी फूड ऑर्डर करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप भी अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। रेलवे की तरफ से ई कैटरिंग सर्विस को कस्टमर फोकस्ड बनाने के लिए शुरुआत की गई है। रेलवे की तरफ से फूड ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। रेलवे ने IRCTC के माध्यम से अपनी ई कैटरिंग सर्विस के ग्राहकों को तक पहुंचाता है। यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सर्विस के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिकेशन सर्विस शुरू की गई है। इसके लिए बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8750013233 जारी किया गया है। शुरुआत में रेलवे ने व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के जरिए ई कैटरिंग सर्विस देने के लिए दो चरणों की योजना बनाई है। पहले स्टेप में बिजनेस व्हाट्सएप नंबर लिंक www.ecatering.irctc.co.in पर क्लिक करके ई कैटरिंग सर्विस के चयन के लिए ई टिकट बुक करने वाले ग्राहकों को एक संदेश भेजा जाएगा। इस ऑप्शन के जरिए ग्राहक IRCTC की ई कैटरिंग वेबसाइट के जरिए स्टेशनों पर उपलब्ध रेस्टोरेंट से खाना बुक कर सकेंगे। व्हाट्सएप से फूड ऑर्डर करने के लिए आपको IRCTC का ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन सर्विस के दूसरे स्टेप में व्हाट्सएप नंबर ग्राहक के लिए दो तरह कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनने में सक्षम होगा। इसमें AI पावर चैटबैक यात्रियों के ई कैटरिंग सर्विस से जुड़ी सभी तरह के सवालों को लोग और यात्रियों के लिए खाना भी बुक करेगा। फिलहाल कुछ चुनिंदा ट्रेनों में व्हाट्सएप कम्युनिकेशन सिस्टम लागू किया गया है। बाद में ग्राहकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर व्हाट्सएप कम्युनिकेशन सिस्टम को दूसरी ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।